स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वेव ऑप्टिक्स की बातें कर रहे थे, और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट में कुछ एग्जांपल्स ट्राई किए थे, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, दैट इज ऑप्टिकल पाथ। क्या होता है ऑप्टिकल पाथ? ऑप्टिकल पाथ क्या होता है इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, एडवांस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल पाथ का मतलब है, जैसे जैसे फर्स्ट मैं केस लेता हूं, वैक्यूम का केस लेता हूं, जैसे अपने पास वैक्यूम या एयर है, इसका मतलब यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कितना है, म्यू कितना है या एन कितना है, एन इज वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वन। तो यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, इज सी, यानी 3×10^8 के इक्वल होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी जैसे सपोज जैसे ऐसे कोई लाइट आ रही है, या ऐसे मान लेता हूं। वैसे पहले तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है उसको समझते हैं अपन, जैसे मैं वेव के टाइप से समझते हैं, वेव में समझना ज्यादा आसान है, देखो जैसे मैं साइन वेव की बात करता हूं, तो ये एंगल कितना है, यहां पे थीटा कितना है, जीरो। ये क्या है, पाई। ये क्या है, टू पाई। सही ना, जीरो पाई और टू पाई, और ये थ्री पाई, और ये फोर पाई। ठीक है, इस टाइप से चल रहा है, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई और फोर पाई। अपन साइन वेव की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, साइन वेव की बातें। सबको विजिबल होगा आई थिंक, ये फोर पाई है, ये थ्री पाई है। ठीक है, जीरो पाई, ये एंगल लिख रहा हूं मैं साइन के अंदर, साइन वेव है या साइन फंक्शन की कोई वेव है। तो अगर मैं यहां से यहां की बात करूं, जैसे इसमें सपोज इसके ट्रेवलिंग में इसकी थिकनेस सपोज टी है, टी क्या है, टी इज थिकनेस ऑफ स्लैब बोल दो या जो भी बोल दो, जो भी बोलना चाहो, टी थिकनेस है। ठीक, और अच्छा यहां से यहां तक इसको मैं अगर टाइम टी इक्वल टू जीरो बोल दो, तो यहां से यहां तक फेज डिफरेंस कितना होगा, इसको मैं हटा देता हूं, कंफ्यूजन नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। फेज डिफरेंस कितना होगा, यहां पे फेज कितना है, फोर पाई, और यहां पे फेज कितना है, जीरो। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फोर पाई। ठीक है, फोर पाई का फेज डिफरेंस। और यहां पे वेलोसिटी कितनी थी, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की वेलोसिटी थी 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, या वेव की वेलोसिटी थी 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, और लाइट ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, टी डिस्टेंस ट्रेवल करी। टी इज बेसिकली थिकनेस है, ठीक है ना, टी इज थिकनेस, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एम। तो अगर मैं टाइम, वेलोसिटी या स्पीड और थिकनेस इनको आपस में रिलेट करने का ट्राई करूं, तो एस इक्वल टू यूटी लगा सकता हूं, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा तो एस इक्वल टू यूटी, यानी डिस्टेंस अगर टी चल रहा है, टी इक्वल टू एस इक्वल टू यू इंटू टी,
डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना है s, वेलोसिटी कितनी है सी नॉट, सी नॉट इनटू टाइम, जो भी टाइम ले रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, थिकनेस अपॉन सी नॉट। ये टी से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, टी यहाँ पे क्या है, थिकनेस है। मैं टी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जनरली अपन ऑप्टिक्स के अंदर थिकनेस के लिए अपन टी यूज करते हैं, तो यहाँ पे टाइम और टी में कंफ्यूज मत होना, बस थोड़ा सा और वेट कर लो, उसके बाद टाइम का सीन खत्म हो जाएगा। अब देखो, ये तो एयर या वैक्यूम की बात थी, अब हम लोगों ने क्या किया, इसी लाइट रे को किसी मीडियम से पास करवाया, किसी मीडियम से पास करवाया। सपोज ये अपने पास कोई मीडियम है, ठीक है, और इसका, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n है, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज ये ग्लास है, ग्लास ही मान लेता हूं मैं पहले समझने के लिए, सपोज ये ग्लास है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पे जो लाइट की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इन ग्लास विल बी सी नॉट अपॉन एन, ये तो अपने को पहले से पता है, यानी कितना हो गया 2c0/3, एन का डिवाइड करोगे 3/2, यानी 2c0/3, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, c0 से कम है ना वेलोसिटी, इस मीडियम के अंदर वेव की या लाइट की वेलोसिटी c0 से कम है, यानी ये धीरे धीरे चलेगी, इसके बजाय यहां पे स्लो चलेगी, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं टाइम इंटरवेल सेम लूं, तो सेम टाइम इंटरवेल के दो बातें बोल सकता हूं मैं, मेरे को पता है यहां पे वेलोसिटी कम है, यानी अगर टाइम इंटरवेल सेम लूंगा तब तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू दिस, और अगर थिकनेस सेम लूंगा कि इतनी डिस्टेंस अगर ट्रेवल करवानी है तो यहां पे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहां पे टाइम ज्यादा लगेगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ क्या ये सबको समझ में आ रहा है, यानी सेम स्लैब को चलने के लिए सपोज, या फिर ये एक बार बार कंफ्यूजन से बचने के लिए स्लैब को वापस अपन थिकनेस को बाद में टी रख देंगे, अभी मैं एक्स रख लेता हूं क्योंकि बार बार तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स रख लेता हूं, ठीक है, तो इसको टी रख लेता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सी नॉट इंटू टी, टी टाइम, ठीक है, टी क्या है, बाद में अपन वापस पुट कर लेंगे टी टाइम, एक्स इक्वल टू सी नॉट इंटू टी। अब सपोज मैंने सेम स्लैब ली, सेम स्लैब ग्लास के लिए, यानी ये भी क्या है, एक्स ही है, लेकिन अब क्या है, ये ग्लास का मीडियम है, तो अगर मैं सेम एक्स की वैल्यू पुट करूं तो यहां पे एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सी नॉट अपॉन एन, एन कितना है अपने पास, 3/2, यानी 3/2 इंटू टाइम। अब अगर मैं सपोज टाइम सेम लूं तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस सेम लूं तो टाइम ज्यादा होगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, टाइम सेम ले लेता हूं। मैंने टाइम सेम ले लिया कि भाई इतने जितने टाइम के अंदर यहां की बात कर रहे हो उतने ही टाइम के अंदर यहां की बात कर रहे हो, तो टाइम अगर सेम लोगे तो यहां पे बताओ डिस्टेंस कितनी आएगी,
डिस्टेंस कितनी आएगी, उतने ही टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतने ही टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी सी नॉट इंटू टी की वैल्यू निकाल लो, सी नॉट इंटू टी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से सी नॉट इंटू टी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 by 2 into x, आ रही बात समझ, 3 by 2 into x हो जाएगी ना, सही किया है ना अपन ने, हाँ 3 by 2 into x हो जाएगी। चलो भाई बहुत बढ़िया, यानी अगर यहां पे 10 सेकेंड के अंदर यहां पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है वो कम है, वेलोसिटी अगर कम है तो सेम टाइम के अंदर ये डिस्टेंस क्या करेगा, ये डिस्टेंस जो है कम ट्रेवल करेगा, वेलोसिटी कम है तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ज्यादा कैसे आ रही है, अच्छा ये एक्स की वैल्यू है ना, हाँ ठीक है, हाँ तो इसको यहां पे डिस्टेंस कितनी है, सी नॉट इंटू टी, यहां पे डिस्टेंस कितनी है, सी नॉट इंटू टी इंटू 2 by 3, हाँ ठीक है, यानी अगर इसको मैं तुम्हें x बोल रहा हूं, टाइम सेम ले रहा हूं, मैं सेम टाइम की बात कर रहा हूं, फॉर सेम टाइम इंटरवेल सेम टाइम की अगर बात करोगे तो ये अगर डिस्टेंस c नॉट इंटू टी ट्रेवल करेगा, c नॉट इंटू टी, इसको अपन x बोल देते हैं, इसको मैं x2 बोल देता हूं, तो x2 कितना है, x2 हो जाएगा 2 by 3 into x, यानी सेम टाइम के अंदर ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 by 3 into x, समझना आराम से, 2 by 3 into x, वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो सेम टाइम के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस x ट्रेवल कर रहा था, तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 by 3 into x ट्रेवल करेगा, 2 by 3 into x ट्रेवल करेगा, 2 by 3 into x ट्रेवल करेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्योंकि लाइट रेस, अब मैं दो अलग अलग लाइट रेस अगर पास कर रहा हूं तो सेम टाइम के लिए देखूंगा कि कौन सी लाइट कितने टाइम के बाद कहां पहुंची है और कौन सी लाइट कहां पहुंची है, तो इससे मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं, इससे मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं कि सेम टाइम इंटरवेल के लिए, टाइम अगर तुमने सेम लिया ना, तो इस मीडियम के अंदर इतनी डिस्टेंस, इस मीडियम के अंदर इतनी डिस्टेंस, इस मीडियम के अंदर इतनी डिस्टेंस के इक्वल है, कितनी डिस्टेंस के इक्वल है, क्या ये बात समझ में आ रही है, इस मीडियम के अंदर इतनी डिस्टेंस, इस मीडियम में इतनी डिस्टेंस के इक्वल है, आराम से समझना, देखो एक सेकेंड, आवाज आ रही है सबको या नहीं आ रही, हाँ क्योंकि भाई देखो हो क्या रहा था कि एयर या वैक्यूम भी कंपेरेटिव किसी मीडियम के अंदर लाइट रे को पास करवाओगे तो उसकी वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है यानी वो सेम टाइम के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सेम टाइम के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो इस मीडियम के अंदर x किसके इक्वल है, इस मीडियम के अंदर 2 by 3 x के, मतलब टाइम अगर सेम लोगे तो इधर कोई लाइट रे अगर एयर में अगर x ट्रेवल कर रही है तो इधर कितना ट्रेवल करेगी, 2 by 3 into x, 2 by 3 into x, अगर तुमने ग्लास लिया है तो, अगर तुमने ग्लास लिया है तो, ये समझ में आया कि नहीं आया, yes. क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये अपने को समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्या आपने को ये समझ में आया या नहीं आया, वेरी गुड, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 by 3 x इन मीडियम टू,
इन मीडियम टू इज इक्वल टू, इसको मीडियम टू बोल रहा हूं या ग्लास बोल देता हूं, इन ग्लास ये डिस्टेंस, क्योंकि टाइम सेम लेंगे अपन यहां पे, तो ये डिस्टेंस यहां की कितनी डिस्टेंस के इक्वल है, यहां की कितनी डिस्टेंस के इक्वल है, 2/3 x इन ग्लास इक्वल टू x इन वैक्यूम, समझना आराम से, x इन वैक्यूम। और 2/3 क्या है, 2/3 क्या है, ये क्या है, x अपॉन n, x अपॉन n, x अपॉन n, n कितना है 3/2, हाँ, यानी इधर x by n डिस्टेंस चलेगा, तो इधर कितना डिस्टेंस चलेगा, x चलेगा, इधर अगर x by n चलेगा तो इधर x चलेगा, इधर अगर x by n चलेगा तो इधर x चलेगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया तो जल्दी से नोट कर लो। ये समझ में आ गया हो तो नोट कर लो। फिर अपन इसका यूज क्या है उसको समझते हैं, इसका यूज क्या है उसको समझते हैं, इसका यूज क्या है उसको समझते हैं। कैन आई रफ दिस वन, कैन आई रफ दिस वन, इसको रफ कर दूं क्या मैं, हाँ देखो अभी समझो, अब आराम से समझना, देखो आराम से समझना, अब मैं YDSC करवाता हूं, YDSC करवाता हूं कि जैसे ये अपने पास प्राइमरी सोर्स है, यहां से अब मैंने एक स्लिट बना ली, ये S1 है, ये S2 है, चलो बहुत बढ़िया, यहां पे तुमने कर्टेन लगा दिया, ये तुम्हारा स्क्रीन है और मैं बात कर रहा हूं इसके सेंटर पॉइंट पे, यानी जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, सेंट्रल मैक्सिमा इसलिए बन रहा था क्योंकि यहां पे जो है इस पॉइंट के लिए डेल्टा एक्स क्या था, अभी जीरो था, यानी यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, सीएम बन रहा था, ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैपिटल डी होता है, सारी चीजें पता है अपने को, ये कैपिटल डी होता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को स्मॉल डी बोलते हैं, ये सारी चीजें अपने को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, यहां पे इस स्लैब के बीच में, इस स्लैब के बीच में यहां पे इस रे के बीच में एक स्लैब रख दी, एक स्लैब रख दी, थोड़ी सी बड़ी स्लैब लेता हूं, ये लो ऐसी ले लेता हूं, एक ऐसी स्लैब रख दी, और इसकी थिकनेस जो है ना, इसकी थिकनेस सपोज टी है, आराम से समझ लो, देखो इसको थिकनेस कितनी है, टी है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये सोच के बताओ कि अभी इस पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे अगर ये दोनों रेस मिल रही है तो अभी क्या डेल्टा एक्स जीरो आएगा, क्या डेल्टा एक्स जीरो आएगा, अगर मैं एक स्लैब पुट कर दूं तो अभी क्या डेल्टा एक्स जीरो आएगा, नहीं बोलो, नहीं, यस और नो, नहीं नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपने को पता है स्लैब के अंदर डिस्टेंस कम ज्यादा ट्रेवल होती है, ये एयर के अंदर जितनी ट्रेवल करेगा उतनी ये स्लैब के अंदर नहीं कर पाएगा, डिस्टेंस कम ज्यादा ट्रेवल हो जाएगी, यानी डेल्टा एक्स यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। और डेल्टा एक्स अगर जीरो नहीं आएगा तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा तो अपन ने वैसे ही डिफाइन किया था ना कि ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पे डेल्टा एक्स क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो फिर यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या आएगा? तो मैं बस ये पता कर लू, सपोज टी जो है वो थिकनेस है, टी थिकनेस है, और इस स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सपोज एन है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन है, टी इज थिकनेस ऑफ स्लैब, एंड एन इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। तो देखो अगर ये स्लैब नहीं होती, तो ये डिस्टेंस जितनी ट्रेवल कर रहा है उतनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करता, यानी डेल्टा एक्स कितना आता, जीरो। तो अभी डेल्टा एक्स कितना आएगा, अभी डेल्टा एक्स उतना आएगा, सपोज ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक्स टू, ये सपोज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहां से यहां एक्स, तो ये एक्स तो ट्रेवल करेगा, जैसे इसको मैं फर्स्ट रे बोलता हूं, इसको सेकेंड रे बोलता हूं, तो पाथ ट्रेवल्ड बाई फर्स्ट रे इक्वल टू एक्स, पाथ ट्रेवल्ड बाय सेकेंड रे ये कितना होगा, एक्स तो होता अगर ये स्लैब नहीं होती, अब स्लैब की वजह से, ये कुछ एक्स्ट्रा चलेगा या कम चलेगा, वही पाथ डिफरेंस होगा। तो अभी मेरे को आराम से सोच के बताओ कि ये सेकेंड वाली वेव कितना पाथ और वही बेसिकली पाथ डिफरेंस हो जाएगा, दिस माइनस दिस पाथ डिफरेंस हो जाएगा। निकालो जल्दी से, आराम से समझना देखो। कोई बता रहा है क्या? तो मैं ऐसा करता हूं, इसके अंदर इसका अगर मेरे को पाथ निकालना, सबसे पहले क्या करता हूं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, एक्स है, अगर ये स्लैब नहीं होती तो, एक्स होती, उसमें से पहले मैं टी को माइनस कर देता हूं, ये टी को माइनस कर दिया क्योंकि यहां का मेरे को पता नहीं कि एक्चुअली पाथ क्या है, तो टी को माइनस कर दो पहले, तो यानी अपन ने ये यहां से यहां और यहां से यहां ये डिस्टेंस ले ली है। अब मेरे को पता करना है कि यहां से यहां तक लाइट ने कितना पाथ ट्रेवल किया, ये अपने को निकालना है, ठीक है, सिंपल। यहां से यहां तक कितना पाथ ट्रेवल किया, तो सिंपल है,
कैसे कि सर आवाज अटक रहा है।